हेलो दोस्तों, जीके क्विज में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन एक, किसने 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान WAC की कमान संभाली है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान WAC की कमान संभाली। वह वायु सेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। वह एयर मार्शल अमित देव का स्थान लेंगे, जो भारतीय वायु सेना में 39 से अधिक वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद 28 फरवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। आइए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अत्याचार का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना एक जीवन कौशल है। आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मयंक अग्रवाल। पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है। मयंक साल 2018 से पंजाब किंग्स PBKS के लिए खेल रहे हैं। KL राहुल जब टीम के कप्तान थे, तब कुछ मैचों में उनकी गैर मौजूदगी में मयंक ने पंजाब की कप्तानी भी की थी। जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सौरभ चौधरी। 1 मार्च 2022 को निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के माइकल सलल्ड को 1606 से हराया। रूस के आटोम चेनरसोव ने कांस्य पदक जीता और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में शामिल होने के कारण उनके देश का झंडा हटा दिया गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूक्रेन। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को यूरोपीय संसद ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आइए अब जानते हैं सिक्स क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन मई 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए?
वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे। यह मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन वियतनाम और व्यापक क्षेत्र में कोविड महामारी के कारण दिव्य सरिस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। आइए अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रयत्नान परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? डॉक्टर भूषण पटवर्धन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रयत्न परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह वर्तमान में कोविड-19 पर अंत विषय आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल के अध्यक्ष हैं। वह NITI आयोग सहित कई अकादमिक अनुसंधान और नीति समितियों के सदस्य रहे हैं। आइए अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से किस शहर में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस लॉन्च की है? सबसे मस्त क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? चेन्नई। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया है। आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम एवं पहियों पर अस्पताल होगा, जिसमें बीमार और घायल सड़क जानवरों के लिए साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सा एम्बुलेंस में होगा। आइए अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया है। यह परियोजना को वित्तीय प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगा। गठजोड़ के हिस्से के रूप में कंपनी ने भारत ATM प्लेटफॉर्म पर 11,000 से अधिक बैंक सखियों महिलाओं को जोड़ा है, ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके। आइए अब जानते हैं 10th क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। उन्होंने केंद्रीय बजट 2022-2023 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो रोज़ बनाकर देता रहूं।